डेली उगाही का, ये तो खोजने का विषय है। आप जहां कहीं भी किसी भी टेंडर में, जिस भी प्रक्रिया में, जिस भी ऑफिस में चले जाएं, बिजली विभाग का नीचे से लेकर ऊपर तक का अधिकारी पूरे के पूरे करप्शन में लिप्त है। और मैं यदि आपने आग्रह किया है तो अगली बार जब भी हम प्रेस वार्ता हमारी होगी तो पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा इस विषय में करके आप सभी को पूरा प्रमाण के साथ दस्तावेज दिया जाएगा। लेकिन ये उगाही हो रही है, आंकड़े एकदम 100% इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं है। पूरा व्यवस्था तंत्र पैरालाइज्ड हो चुका है, करप्शन में आकंठ डूबे हुए हैं। आप कल्पना कीजिए सर, तीन तीन बड़ा दायित्व एक व्यक्ति में, ऐसा क्या था? क्या काबिल विभाग में अधिकारी नहीं है? क्या क्वालिटी आखिर इनके अंदर? बस एक ही क्वालिटी है, राज्य के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी का झोली भरने में ये एक्सपर्ट हैं। बीजेपी आजकल राजनीतिक लड़ाई की जगह देख रहे अधिकारियों को घेर रहे। कल भी आपके आए अरुण और राम, वो भी चीफ सेक्रेटरी को बोले कि वो बचा रहे हैं। उससे पहले बाबूलाल ने चिट्ठी लिखा भ्रष्ट अधिकारी का, आज आप एक नए अधिकारी का लेके आ रहे हैं। तो क्या आप लोग पॉलिटिकली एमएम से लड़ने में सक्षम नहीं हो रहे, इसलिए अधिकारियों की ओर इंगित कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ये लोग भ्रष्ट है, हमारा सरकार आएगा तो ऐसे अधिकारी को बाय बाय करें? नहीं, ऐसे अधिकारी तो बाय बाय होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस की आवाज की लड़ाई लड़ रही है। क्या लगता है आपको कि बिजली विभाग या बिजली में की खराब व्यवस्था, बिजली कटौती, ये आम लोगों का जनजीवन प्रभावित नहीं करता है? भारतीय जनता पार्टी कोई सेठ फलबूरा पे लड़ाई नहीं लड़ती ना, कि यही फॉर्मूला, यही इक्वेशन, यही समीकरण, इसी पर लड़ाई करेंगे। जहां जहां राज्य के जनता का हित का हनन होगा, जहां जहां राज्य की जनता के हित को दबाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हर एक मुद्दे पे आगे बढ़कर